ये मारा। मम्मी गई ना, कामचोर आदमी है, आप भूसा है तो भी चले गए। पापा वैसे मकर राशि कैसी होती है? सबसे खतरनाक मकर, उसका नाम है मकर राशि। इस घर में दो हैं मकर राशि वाले। कौन कौन से? इस राशि वालों का क्रोध इतना होता है जो असहनीय हो जाता है। ये देखो शुरू हो गया। लड़ो मत। बाकी पापा अभी जितने प्रेम से बात कर रहे हैं ना, शाम को पापा उतने ही प्यार से फिर निकालेंगे भी भूसा, लेबर, स्कूटी, बाइक। पापा थोड़ा ना निकालते हो, लालू निकालता पापा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो चलिए जी, आज का ब्लॉग भी शुरू करते हैं। और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है हमारे खेत से ही। सुबह सुबह ना यहाँ पे भूसे का काम हो रहा है और आज ना हमारा भूसा आ चुका है। तो भूसा ना हम लोगों ने मोल लिया है, क्योंकि घर में हम लोगों ने जितना गेहूँ लगाया था ना, उसमें इतना भूसा नहीं हो पाता है, क्योंकि हमें घास भी चाहिए होता है और थोड़ा बहुत अनाज भी चाहिए होता है। तो दोनों चीज़ें ना साथ में नहीं हो पाती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ना हम लोग यही चीज़ बोते हैं। तो आज ना सुबह सुबह ट्रॉली आई थी और ट्रॉली में ना इतना सारा भूसा आया हुआ है और अब ये भूसा रखना है गोट में। तो हमारी सासू माँ लोगों ने ना हम बुआरियों को थोड़ा आराम दिया हुआ है, क्योंकि इतना भूसा ना हमारे बस की बात तो है नहीं इतना रखने की। तो इसीलिए ना भैया लोगों को लगाया गया है यहाँ पे, और वही भैया ना दिन भर आज काम करेंगे और भूसे को ना गोट में टाच के जाएंगे। खेत में ना भैया भूसा टाँच ही रहे हैं, तो हम लोग ना आगे को आ गए हैं, क्योंकि उनको उनका काम करने देते हैं और हम लोग अपना काम करते हैं। बाकी दीदी से पूछती हूँ। हाँ आज मम्मी लोगों ने ना भूसा टाँचने के लिए भैया लोग को लगाया है, तुम्हें कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा है। मम्मी लोगों ने हमारे लिए काम काम करने से बच गए, किसको अच्छा नहीं लगेगा यार। मुझे पता था इसके मुँह में यही जवाब होगा, इसीलिए पूछा मैंने। ऐसा नहीं है, जब रखने के दिन थे हमने भी रखे, अब नहीं हो पाता है। कुल मिला के ये है, उम्र तो नहीं हुई है, उम्र तो नहीं हुई है पापा। पापा देख रहे हो, उम्र भी हो गई है। बल क्या हो गई पापा? क्या कहा अभी? नहीं क्या कहा? अब नहीं हो पाता, नहीं हो पाता कहा तब? तो मैंने कहा अभी उम्र भी हो गई है। टाइम पे तो रखा ही, फिर अब थोड़ा दिक्कत हो जाती है ना। अब क्या बताएं, अब ऐसे ठहरा हम पहाड़ियों का। पापा तो ऐसे टोंट कस दे रहे ना जैसे हमने किया ही नहीं होगा, हमने सब काम किया है अब, लेकिन वो इतना सारा भूसा है ना। ये बात भी सही है, और भूसा ना काफ़ी ज़्यादा था ना, तो उतना रखने की शायद हमारी वाकई में हम लोग नहीं रख पाएंगे, इतना भूसा तो नहीं रख पाएंगे, और दिन धोबरी घाम में तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, इसीलिए ना भैया लोग को लगाया। बाकी पापा आप लोगों ने हमारे बुआरी अपनी बुआरियों के बारे में इतना सोचा, बहुत थैंक यू सो मच। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। रात को मत छुनाना है पापा, बुआरी अच्छी है कहना। बाकी पापा अभी जितने प्रेम से बात कर रहे हैं ना, शाम को पापा उतने ही प्यार से फिर निकालेंगे भी भूसा, लेबर, स्कूटी, बाइक। पापा थोड़ा ना निकालते हो, लालू निकालता पापा। कहाँ? अरे हाँ, आज पापा जी को आया है निमंत्रण, और पापा को ना आज पूजा पाठ में पहाड़ जाना है, तो पापा शाम को वहीं जाएंगे। वहीं रहोगे? घर कब आओगे? कल सुबह आओगे? मम्मी कैसे रहेगी? अभी जाने भी दीदी नहीं जाने दी, कल से गुड़ क्या रहे एक रात के लिए, आधे किलो ही मंगा लेंगे। तो मम्मी को भी ले जाओ फिर। नहीं आ रही ना? अरे ले जाओ ना, थोड़ा एक दिन हमें भी आराम हो जाएगा। पीठ में बैठा ले जाओ क्या? मम्मी गई ना, कामचोर आदमी है, आप भूसा है तो भी चले गए। तो यहाँ पर ना मम्मी भी आ गई है, मम्मी से पूछते हैं कि मम्मी ने आज हमारे लिए लेबर लगाए हैं। भाई मम्मी क्या क्या बात, आज तुमने लेबर वेबर लगा लिया? क्या करूँ फिर, मजबूरी ठहरी, तुम काम करते नहीं हो, टाइम ही कहाँ होता है काम करने का तुमको। देखो मम्मी कितना सोच रही है हमारे लिए, सोचती है यार। मम्मी कहती है यार कहाँ बच्चे भी कहाँ कर पाते हैं, आजकल की बुआरियाँ कहाँ करती हैं, कहती है मम्मी। तो लेबर लगाए फिर मम्मी ने, तो अपने टाइम पे खूब किया है, हमने भी एक दो साल तक किया, उसके बाद ना उठ रही हूँ मम्मी। मैं भी, मैं 5 ही मिनट लेट तो उठी फिर। आज अपना आई तो बस मैं आई, माई जिस दिन मैं उठती हूँ पहले उनका कुछ नहीं। वो भी चुपचाप से टैंकी से पानी निकालने की सोची थी, मैंने कहा सब लोग सोए हैं। ये चुपचाप क्या होता है ना, क्या बताऊँ क्या होता है ना, जो कोई उठता है ना चुपचाप से सोचता है काम करूँ, ये इन्हें भड़म पहले लकड़ा गिराया अपना। मैं टैंकी का ढक्कन गिराया नहीं, गिराया गिर गया ना गलती से। देखा जबकि मैं आई नीचे तो मम्मी पापा की बातें भी हो रही थी ना मम्मी। हाँ मम्मी ने ये कहा बाहर चलो बैल आ गया, कहा वहाँ क्या पता मजड़ा है। लो मालिक फूल, धन्यवाद।
हम लोग ना नाश्ता लेने के लिए अंदर जा ही रहे थे, उतने में ना पापा ने बोला आज मेरी राशि में पता है क्या है, क्या है पापा? तनाव बना रहेगा नौकरी में, सावधानी, नौकरी तो घर छोड़ो मारो गोली, आर्थिक हानि होगी, हो गया 21,000 रुपए घुस गए, आर्थिक हानि मतलब 21,000 रुपए घुस गए सुबह सुबह। और एक बार मम्मी की भी राशि पढ़ो तो, सुबह से वहाँ गया मगर ये नए कार्य का प्रस्ताव आ सकते हैं मम्मी के लिए। हाँ, नए कार्यों के प्रस्ताव आ सकते हैं, कार्य क्षेत्र में सम्मान बढ़ेगा, वो तो बढ़ेगा ही, मम्मी ने आप भूसा रखवाने के लिए आए सम्मान रहेगी, विरोधी परास्त रहेंगे, विरोधी हम डरे परास्त अच्छा। हमको वैसे जा रहे हो। और पापा मेरी राशि कन्या राशि अच्छी आती है, जब भी आती है लोकप्रियता में वृद्धि होगी, अटके कार्य में सफलता मिलेगी, व्यवसाय में उत्तम लाभ भी हो सकता है, इसका तो हमेशा अच्छा रहता है। अब सिंह राशि, सिंह राशि तो है मान सम्मान में चिंता रहेगी, महत्वपूर्ण कार्य में अवरोध आ सकते हैं, कार्य क्षेत्र में व्यस्त रहेंगे, व्यस्त तो ठहरी तुम, अभी बैग है लटकाऊ चल दोगी, नहीं जा रही हूँ आज, आज मैं घर ही में व्यस्त हूँ। अच्छा पापा, वैसे मकर राशि कैसी होती है? सबसे खतरनाक मकर, उसका नाम मकर राशि। इस घर में दो हैं मकर राशि वाले, कौन कौन से? इस राशि वालों का क्रोध इतना होता है जो असहनीय हो जाता है मतलब। ये देखो शुरू हो गया, लड़ो मत, लड़ो मत, लड़ो मत, ऑल क्या कहते हो, ऑल आउट, ऑल आउट, नो बॉल, नो बॉल, ओवर खत्म। हमारे घर में दो है मकर राशि वाले, एक मम्मी है और एक इसके पापा है यानी कि रावत जी है, दो है मकर राशि वाले, मैं हूँ कन्या राशि वाली, पापा है मीन राशि वाले और मेष राशि वाले। मेष राशि वाले कैसे होते हैं? सबसे बढ़िया, शांत, शांत। तुम शांत रहते हो? बिल्कुल शांत। मम्मी मेष राशि वाले कैसे होते हैं? अच्छे होते हैं, बहुत ही शांत, बिल्कुल लड़ाई भी नहीं करते हैं। नहीं पापा, आप काम भी तो करते हो फिर। अब धीरे धीरे ना यहाँ पे माहौल गर्म होने वाला हो गया है, तो अब हम लोग चलते हैं नाश्ता लेने के लिए और इन लोगों को यही पे बैठने देते हैं। तो चलिए जी, अब नाश्ता कर लेते हैं और गाड़ियों को ना हम लोग अभी अस्त व्यस्त हो रही थी, तो आप एक एक करके गाड़ियाँ भी सेट करते हैं और फिर नाश्ता भी करते हैं। हम लोग का ना नाश्ता भी हो गया है, नाश्ता करने के बाद ना अभी मैं जा रही हूँ अपने टेलर भाभी के वहाँ, क्योंकि हमारे ना भूसा रखने के लिए ना गज्जे कम हो गए, यानी कि साड़ी के जो पल्लों का बनाया जाता है ना सिल के थैला जैसा, उसी को हम लोग गज्जे बोलते हैं। तो साड़ियाँ ना है लेकिन हमारे पास ना सिलाई मशीन नहीं है, सारी चीज़ें हैं लेकिन सिलाई मशीन नहीं है, तो पूछ के आते हैं उनसे, अगर वो बना देंगे तो ठीक है, नहीं बनाएंगे तो फिर वापस लेके आना पड़ेगा। तो चलते हैं, मुझे ना वापस आना पड़ा, वो दीदी ना घर पे नहीं है और मैं सिर्फ पूछने के लिए गई थी। अब मम्मी को भी बता देते हैं, अब पता नहीं कहाँ सिलेंगे, हमारे पास ना सारी चीज़ें हैं लेकिन सिलाई मशीन नहीं है, तो अब सिलाई मशीन ख़रीदनी पड़ती है हमको बहुत जल्द, तभी ये सिल पाएंगे। हाँ चलते हैं, बाकी धूप इतनी ज़्यादा हो रही है ना, क्या ही बताएं दगड़ियों, घाम में बाहर निकलने का भी मन नहीं कर रहा है। चलिए दोस्तों, अब हमारी तैयारी होने लग गई है दिन का लंच तैयार करने की, और आज ना हम लोगों ने लंच ज़्यादा बनाना है, क्योंकि जो भूसा रख रहे हैं ना भैया उन लोग के लिए भी बनाना है, तो इसमें दाल तो मैंने चढ़ा दी है, साथ में चावल भी दिए हैं अभी दीदी ने, हमारे पूर्वजों की एक यही चीज़ तो है हमारे पास। ये गिलास ना बहुत पुराना है दोस्तों, ये आज का नहीं है, जब से मेरी शादी हुई मैंने तब भी देख तब से यही देखा, और जब मम्मी की शादी हुई थी मम्मी ने भी यही देखा और मैंने भी यही देखा। हाँ तो ये काफ़ी साल मतलब पुरानी चीज़ है, यानी कि ये हमारी अम्मा के टाइम का है। हाँ, पूर्वजों की निशानी है मतलब हमारे पास, यही चीज़ बची है हमारे पास। और कुछ नहीं बचा है। धोती के गज्जे ना हमारे तैयार नहीं हुए, तो हम लोगों ने ना तिरपाल का गज्जा बना रखा है, और ये ना काफ़ी ज़्यादा चौड़ा भी है और बड़ा भी है, तो भूसा ना अब इसके अंदर टाँचा जा रहा है। कावी तो स्कूल से आ गई है, तो दक्षु को लेने जाती हूँ और उसको भी स्कूल से लेके आती हूँ। दोस्तों मैं स्कूल से आ गई हूँ और मैं थोड़ी देर में आई क्योंकि मेरी मम्मी को कुछ काम था, तब हम देर में आए और मेरे दद्दू लोग आ गए हैं, देखते अंदर क्या कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा लंच भी रेडी है और तीनों भैया लोगों के लिए ना हम लोगों ने भोजन लगा दिया है, अब उन्होंने मेहनत किया है तो भोजन भी ज़्यादा ज़्यादा होना चाहिए ना, तो ये लग गई है उनकी थालियाँ। चलिए दोस्तों, हमारा भूसे का काम भी पूरा हो चुका है और गाय बिच्छू का काम भी पूरा हो गया है, हम लोगों ने दूध वगैरह भी लगा दिया है, और जो बचा हुआ भूसा था ना वो हम लोगों ने कुछ ऐसे टाँच रखा है, यानी कि भैया लोगों ने एक ये वाले में और एक वो वाले में। और अभी घर के सभी मेंबर ना शादी में गए हैं, यानी कि पापा मम्मी और भांजी भी, तो ये लोग सभी शादी में गए हैं और मैं और मेरी जेठानी है घर पे, तो हम लोग कर रहे हैं घर का काम, यानी कि गाय बच्चों का जो काम ना पूरा हो गया, दूध वगैरह भी लगा दिया है, बाकी अब गोबर फेंकना है वो भी फेंकाते हैं। हम लोगों ने बीच में इसी वाली क्यारी में ना भिंडी के बीज बोए हुए थे और भिंडी के बीज ना अब पौधे बनने लग गए हैं, तो छोटे 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 ना पौधे निकल गए हैं और काफ़ी ज़्यादा ना अच्छे लग रहे हैं, तो धीरे धीरे ना ये पेड़ भी बड़े हो जाएंगे और हमारे ना भिंडी के पौधे हो जाएंगे, फिर उसमें हम लोग ना घरे की भिंडी खाएंगे।
कल ईशु के लिए ना उसके पापा बैट बॉल का वो सब चीज़ें लेके आए थे सामान, तो अब ना बच्चे खेलने लगे हैं। ये रहा ईशु का दोस्त और सामने रहा हमारा ईशु, तो ये कराएगा बॉलिंग और ये करेगा बैटिंग। देखते हैं कौन कितना शॉट मारता, ठीक है। ओहो हो, अभी और बच्चे नहीं आए हैं, अगर और बच्चे भी आ जाएंगे ना फिर यहाँ पे भीड़ रह जाती है और उसमें ना रोड में चलने की भी जगह नहीं बचती है, तो इनका शॉट देखते हैं हम लोग। नो, ये मारा। तो बच्चों को ना बैट बॉल खेलने देते हैं और हम चलते हैं। बाकी वो बॉल जो है ना वो लेदर की है, वो इससे जिससे भी लगेगी ना बहुत खतरनाक तरीके से लगेगी। तू भी बच के रहना और वो भी बच के रहेगा, ठीक है। आराम आराम से खेलना। हाँ, घर का सारा काम होने के बाद मम्मी लोग भी महिला संगीत से आ गए हैं। अब हम लोगों का बहुत देर डिस्कस हुई सब में कि क्या करें क्या करें क्या करें, तो हमने सोचा है अभी आज बनाते हैं मोमो। बहुत दिनों से मोमो नहीं खाए हैं ना, बच्चे बहुत जिद कर रहे हैं। बाजार के मोमो हम बच्चों को कम ही खिलाते हैं, तो हमने सोचा बिज्जू भी आई है तो इस चक्कर में हमने सोचा कि आज हम मोमो बना लेते हैं, होम मेड मोमो। तो कविता जा रही है अभी सामान लेने के लिए, अभी तक हमने कुछ भी तैयारी नहीं करी है। और हम लोगों के अभी मतलब अब जाके हम 7 बजने वाला है, अब जाके हम तैयारी कर रहे हैं। अभी मैं सोयाबीन चूरा थोड़ा है उसको भिगा लेती हूँ और ये जा रही है सामान लेने के लिए, तो फटाफट सामान लेके आ। इसके पति अकाउंटेंट हैं और ये हमारे घर की गृहिणी वाली अकाउंटेंट है, पर इसको आता कुछ नहीं है, ये हिसाब किताब ऐसे गोलमोल करके लाएगी भीगेगी। यार दीदी बताओ तो इतने थे इतने, ऐसे बोल देती है लास्ट में। मुझे ना ये लोग सामान लेने के लिए भेज देते हैं क्योंकि मैं सामान अच्छा लाती हूँ, पर हिसाब के नंबर पे जीरो। एक तेज और एक हिसाब किताब वाला होता ही है। यहाँ मैडम के अकाउंटेंट साहब है और यहाँ हम है। हम लोग ना अपनी नज़दीकी दुकान से ना सामान भी ले आए हैं, और सामान में ना हम लोग क्या क्या लेके आए हैं वो भी दिखा देते हैं। पनीर है, रिफाइंड है, पत्ता गोभी है, और साथ में यहाँ पे ना चटनी की तैयारी भी होने लग गई है। अब हम लोग ना काम ज़्यादा बातें कम करते हैं और फटाफट से ना तैयारी कर लेते हैं मोमो बनाने की। हमारे मोमो की सारी तैयारी हो गई है। खाना आज हम लोग सोच रहे हैं कि अभी थोड़ी देर बाद बनाएंगे, रात के 9 बज गए हैं। घर के ही मोमो हैं, हमने ही बनाने हैं, हमने ही खाने हैं, कौन सा जो क्या हो रहा है ना। क्या करेंगे इसके बाद? यही खाएंगे आज, यही खा के सोएंगे। हाँ, इसमें हम लोगों ने कुछ वैसी चीज़ें नहीं डाली जैसे अजीनो मोटो वगैरह यूज़ नहीं कर रखा है, तो घर के होममेड मोमो है, यही खाएंगे और टुप करके सो जाएंगे। यहाँ पर ना हम मोमो बना ही रहे थे, अचानक से यहाँ पर आ गया है इतना बड़ा बिच्छू। बाप रे, बिच्छू तो देखो ये, बाप रे, हमारे तो सिट्टी पिट्टी को अभी निकल गए थे मोमो हमारे। वहीं पर भैया बैठे थे, मैंने मेरी नजर भी वहीं पर पहुंची और भैया की भी, भैया ने तो वहाँ की छलांग उधर ही मारी सीधे। बाप रे, कितना खतरनाक लग रहा है। बिच्छू को ना हम लोगों ने भगा भी दिया है, लेकिन अभी ना अगर बिच्छू ने अगर किसी को भी डंग मार दिया होता ना तो मोमो वोमो सब निकल गए होते हमारे अभी तक, और देखने में भी इतना बड़ा लग रहा था, उसका डंग भी ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा है। आप लोग भी ना इस गर्मियों के दिनों में ना सावधानी बरतिएगा, क्योंकि आजकल ना सांप, कीड़े, बिच्छू ये सब चीज़ें ना बहुत निकलती हैं, और हमारा तो पूरा एरिया खुला है और हमें तो और ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। आप लोग भी सेफ रहिएगा और हम लोग भी सेफ रहेंगे। पहली ना मोमो खा ली, पजर रॉन शेप, पहली भूख लग गया। हम रूम में आ गए हैं, अब हम सो जाते हैं, और आप कल का ब्लॉग जरूर देखना क्योंकि कल मेरे को मिलने वाली है नई बेल्ट। हाँ, तो चलिए दोस्तों, हम लोग भी रात का खाना खाने के बाद रूम पे आ गए हैं और वीडियो को भी यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। हाँ, तो हम मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपना ख्याल रखें, बाय बाय। और कल का जरूर ब्लॉग जरूर देखिएगा क्योंकि कल मेरे दक्षु को मिलने वाली है एक नई बेल्ट। और यहाँ पे हमारे दोनों के दोनों बच्चे सो चुके हैं, एक बड़ा बच्चा और एक छोटा बच्चा। और दोस्त
तो ये शोर नहीं है, ये ना जब हमने कैमरा उधर का लाना तो ये ना नाटक कर रहे थे, आ ये नाटक कर लेते देख लेते, तब हमने इधर कला तो सो लेते। हाँ तो चलिए दोस्तों, बाय 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 बाय।